अभी आप लोगों को पता है जैसे दो साल से कोविड की वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई थी, तो सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रखे थे कि अभी क्या करना है। बट अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अभी बहुत सारी भर्तियां निकली है जिसका आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि BSF, SI, HC, NCT की भर्तियाँ निकली है, पोस्ट ऑफिस में भर्तियाँ निकली है, और इंडियन आर्मी में लाइब्रेरियन की भर्ती है, स्टेनो की भर्ती है, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर की भर्ती निकली है, असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती निकली है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी बहुत सारी भर्तियां निकली है जिसके आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें। और इन सभी भर्तियों को लेके मेरी अकेडमी में अभी बैच शुरू होने वाले हैं जिसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स तैयार हैं पूरे सिलेबस के साथ में, और कोचेस भी रेडी हैं उसके फिज़िकल की तैयारी करवाने के लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आके अकेडमी ज्वाइन करें और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। जैसा कि मैडम ने बताया, कोरोना काल के बाद बहुत प्रतीक्षा के बाद कुछ भर्तियाँ निकली है, जैसे वायुसेना में AF कैट की भर्ती निकली हुई है, SSC हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में SI, HC और CT की भर्ती निकली है, इंडिया पोस्ट GDS के लिए 38,926 पदों के लिए भर्ती निकली है, भारतीय सेना में भी लाइब्रेरियन, स्टेनो ग्रेड 2, क्लर्क और अन्य 30 पदों के लिए भर्ती निकली है, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के अंदर भर्ती निकली हुई है, असम राइफल्स में टेक्निकल व ट्रेडमेंट्स के लिए 1380 पदों पर भर्ती निकली हुई है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने भी 1033 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरह कई सारी भर्तियां निकली हुई है, अतः आपको भर्ती निकलने में जो देरी हुई है उससे घबराना नहीं है और अपनी सफलता के लिए पूरी मेहनत करनी है। कर्नल शंभू डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी में इन भर्तियों की तैयारी के लिए बैच शुरू कर दिए गए हैं, और यदि आप अकेडमी में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले, आप सोनिया मैडम से संपर्क करें, और यहाँ पर जो अनुभवी कोच है इस डिफेंस अकेडमी में उनके गाइडेंस के अंदर भर्ती की तैयारी करें ताकि आप जो ये भर्तियाँ निकली है इनके अंदर सफल हों और आप भारतीय सेना के सेना ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकें। और इसी तरह भारतीय सेना के अंदर यदि आपको अधिकारी बनना है तो UPSC में NDA और CDS एग्जाम 2 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑफिसर लेवल की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में FCAT के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, NDA के फॉर्म भरे जा रहे हैं, CDS के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करने के लिए मेरी अकेडमी में आ सकते हैं, उसके भी बैचेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इन भर्तियों के अलावा ITBP में भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है जिसकी पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।